बंगाल के संदेश खारिज की कर लेते हैं, जिसको लेकर के सियासी बवाल लगातार जारी है। बंगाल बीजेपी प्रेसिडेंट जब संदेश खारिज हिंसा का दौरा करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती थाने ले गई और उस दौरान जम करके बवाल शुरू हो गया। और इस बीच बीजेपी महिला मोर्चा का भी आज संदेश खाली दौरा है, जिसमें एक बार फिर से बवाल होने के पूरे आसार हैं। इसके अलावा इस मामले को लेकर नए खुलासे क्या हुए हैं, अपडेट्स क्या हैं, देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। आप संदेश खाली हिंसा का गुनहगार और मास्टरमाइंड टीएमसी नेता शाहजहां शेख अभी गिरफ्त से बाहर है, तो वहीं बीजेपी इसे लेकर लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष कांत मजुमदार जब संदेश खाली जायजा लेने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया, उसके बाद थाने से जमानत मिली। पुलिस एकदम पूरी तरीके से डेमोक्रेसी के खत्म कर रही है, पुलिस गणतंत्र के संपूर्ण भावे मालूम नहीं, पुलिस ही बता सकती है कि अरेस्ट किया है उन लोगों ने, और मुझे जूता भी पहनने नहीं दिया। संदेश खाली में महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया, उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग से लेकर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स ने संदेश खाली का दौरा किया। वहीं आज बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में बीजेपी महिला मोर्चा का एक डेलीगेशन संदेश खाली जाएगा, जिससे आज भी हंगामे के आसार हैं। संदेश खाली हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख, शिबू हज्र, उत्तम सरदार को लेकर अब मानव तस्करी के भी आरोप लग रहे हैं। इसे लेकर एक महिला सामने आई है, जिसने आरोप लगाया है कि 2017 में उनकी बेटी को कुछ लोग जबरन उठा ले गए थे, जिसका शक हिंसा के आरोपियों पर ही है। और यहाँ पर कौन कौन से ऐसे नेता थे जो यहाँ पर जुल्म करते थे महिलाओं पर और जो है बच्चियों पर? उत्तम सरदार शेख शाहजहां, शिबू हज्र। क्या मांग है अभी आपकी? मेरे मांग है, इतने मीडिया पर गया है, इतने प्रशासन पर गया है, मेरे लड़की को एक बार कोई दिखा दे। तो इस माँ का दर्द आपने सुना होगा, 2017 में जो है ये संदेश खाली की माँ की बेटी को जो है उनसे छून लिया गया और उनको शक है कि कुछ लोगों पर, लेकिन फिर भी वो जब पुलिस के पास जाती है शिकायत दर्ज करने के लिए, लेकिन पुलिस से उनकी शिकायत दर्ज ना करते हुए इनको भेजा गया शिबू हाजरा और साथ ही उत्तम सरदार के पास, और तब से लेकर आज तक जो है उनकी बच्ची लापता है। हिंसा के आरोपी शेख शाहजहां पर ईडी का भी शिकंजा कसने लगा है। ईडी ने शेख शाहजहां के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन अभी वो फरार है।